टॉप 10 डेंजरस रेप्टाइल्स ऑन अर्थ, धरती के सबसे खतरनाक रेप्टाइल्स। दोस्तों, रेप्टाइल्स की प्रजाति हमारी धरती पर कई हजार सालों से रहती आ रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दिलचस्प होते हैं। चाहे धरती हो या पानी, रेप्टाइल्स हर जगह देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों, कुछ रेप्टाइल्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर गलती से भी आपका उनसे सामना हो गया तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं धरती के कुछ ऐसे ही खतरनाक रेप्टाइल्स के बारे में। 10. इनलैंड टाइपन। द इनलैंड टाइपन एक बहुत ही खतरनाक सांप है, जिसे वेस्टर्न टाइपन के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप खास तौर पर सेंट्रल ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पर क्या आप सभी को मालूम है, ये सांप इतना ज्यादा खतरनाक होता है जो कि एक 30 से 40 साल के वयस्क इंसान की जान मात्र 35 से 40 मिनट में ले सकता है, जो कि किसी साधारण सांप के लिए करना बहुत ही मुश्किल है। ये सांप ब्राउन और ब्लैक कलर के साथ साथ हरे रंग के भी होते हैं, और जिनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े छपके बने होते हैं, जो इसे एक खतरनाक और डरावना रूप देते हैं। दोस्तों, इस सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, जो किसी भी इंसान को पल भर में ही पैरालाइज कर सकता है और उसकी मसल्स को भी कमजोर बना सकता है। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस सांप की प्रजाति दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो केवल गर्म खून वाले कीड़े मकोड़े खाती है। दोस्तों, इसे पहली बार फ्रेडरिक मैकॉय द्वारा सन 1882 में देखा गया था, जिसके बाद उन्होंने इसके बारे में दुनिया को बताया था। 9. क्रोकोडाइल मॉनिटर। दोस्तों, जब जब खतरनाक रेप्टाइल्स की बात आती है, तब क्रोकोडाइल मॉनिटर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गुस्सैल होती है। इस क्रोकोडाइल मॉनिटर को पापुआ मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि न्यू गिनिया में प्रमुख रूप से पाई जाती है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि ये लिजर्ड न्यू गिनी की सबसे बड़ी मॉनिटर लिजर्ड है, साथ ही दुनिया की सबसे बड़े लिजर्ड्स में से भी एक है, जिसकी लंबाई करीब 8 फीट होती है। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस प्रजाति की लिजर्ड की पूंछ की लंबाई अन्य सभी प्रजातियों से ज्यादा होती है, और इसी वजह से कई बार इसे दुनिया की सबसे बड़ी लिजर्ड प्रजाति यानी कि कोमोडो ड्रैगन से भी बड़ा पाया गया है। दोस्तों, ये लिजर्ड आइलैंड और वर्षा वनों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, जिसका रंग गहरा हरा होता है और जिसके ऊपर पीले रंग के बड़े बड़े स्पॉट्स पाए जाते हैं। अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि ये लिजर्ड खाती क्या है। वेल, ये चिड़ियों, छोटे जानवरों के साथ साथ अन्य जीवों के अंडे खाती है, पर हालिया दिनों में इसकी स्किन के लिए इसका शिकार होने लगा है। 8. द ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा दुनिया का एकमात्र ऐसा सांप है जो कि लोगों के बीच सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और जिसे दुनिया में लगभग हर कोई जानता होगा। ये एक बहुत ही जहरीला सांप है जो कि घने जंगलों में पेड़ पर पाए जाते हैं, जिसकी एक बाइट किसी भी इंसान या जानवर को मौत का सफर तय करवा सकती है। ये सांप 9 फीट 10 इंच से 14 फीट 9 इंच तक लंबा हो सकता है। साथ ही इसका वजन लगभग 1.5 किलो का होता है, जिसकी त्वचा डार्क ब्राउन और ग्रे कलर की होती है। दोस्तों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इसके मुंह का आकार लगभग एक कॉफिन के आकार जैसा होता है, जो कि इसे काफी डरावना बनाता है। दोस्तों, अगर आप इसके मुंह के अंदर देखेंगे तो आपको ये अंदर से बिल्कुल काला दिखाई देगा, जो कि इसके नाम के पीछे का कारण है। ब्लैक मांबा सितंबर से जनवरी के बीच में अपने अंडे देते हैं, जिनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। ये सांप दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है, जो इंसान की जान 20 मिनट के अंदर ले सकता है। मतलब अगर आप कहीं दूर जंगल में फंसे हैं और इस सांप ने आपको काट लिया, तब आपका मरना बिल्कुल तय ही समझिए। 7. माता टर्टल। माता टर्टल एक बहुत ही खतरनाक टर्टल है, जो कि साउथ अमेरिका के साफ पानी में पाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है, ये टर्टल रेंगने वाले जीव जंतुओं में से सबसे खतरनाक टर्टल माना जाता है, जो कि किसी पत्थर की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, इस टर्टल की खोज सन 1941 में नेचुरलिस्ट पियर बैरियर ने की थी, जिन्हें यह सबसे पहले समुद्र में दिखाई दिया था। दोस्तों, ये पत्थर जैसा दिखाई देने की वजह से बड़ी ही आसानी से छिप जाता है। पर दोस्तों, इसके बारे में एक बात जानकर हैरानी होगी कि ये एकमात्र ऐसा जीव है जिसका नाम 2 सदियों में 14 बार बदला गया है। ये माता टर्टल व्यस्क होने पर 1.5 फीट के होते हैं और इनका वजन लगभग 15 किलोग्राम होता है, और इसका सर, गर्दन और पैर बड़े होते हैं।
दोस्तों, ये कछुआ अन्य कछुओं से आकार में अलग होने के साथ साथ काफी शानदार होता है, जो अपने सामने आने वाले हर जीव को खा जाता है। 6. कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन एक बहुत ही बड़ी छिपकली की प्रजाति है, जो इंडोनेशियाई द्वीप कोमोडो, रिंका, फ्लोरेस, गिली मोटांग और गिली दासमी में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ये एक मॉनिटर छिपकली की प्रजाति है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है, कोमोडो ड्रैगन आकार में छिपकलियों की प्रजाति में सबसे बड़े होते हैं, जिसे कोमोडो मॉनिटर भी कहते हैं, जिसकी सबसे तेज चलने की गति लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये जीव लगभग 3 मीटर तक बड़ा हो सकता है और इसका वजन लगभग 70 किलोग्राम होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने शिकार को कई किलोमीटर दूर से भी सूंघ लेती है। इनका आकार फ्लोर्स द्वीप पर 90,000 सालों से एक जैसा बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही अद्भुत बात है। इनके पास जहरीले दांत होते हैं। इसके निचले जबड़े में 2 ग्रंथियां होती हैं, जो जहर के कई जहरीले प्रोटीन को छुपाती हैं, और जिससे शिकार थोड़ी देर में ही बेहोश हो सकता है। 5. द एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल। 200 कछुए बहुत ही ज्यादा सुंदर जीव होते हैं, जो कि समुद्र, नदियों और तालाबों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आमतौर पर ज्यादातर कछुए शाकाहारी होते हैं, पर कुछ प्रजाति ऐसी भी होती हैं जो मछलियों और अन्य रेंगने वाले जीवों को खा जाती है। आप सभी जानते होंगे कि कछुए इंसानों को हानि नहीं पहुंचाते, पर अगर आपका ऐसा मानना है कि सभी कछुए ऐसे होते हैं, तो आपका ऐसा मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक कछुआ ऐसा भी है जो किसी भी चीज को नहीं छोड़ता, और उसका नाम है एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल, जो कि अपने नोकीले दांतों से अपने शिकार पर करीब 450 किलो का फोर्स लगाता है और उसे काट देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कछुआ 113 किलो तक वजनी हो सकता है, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कछुए अब काफी कम बचे हुए हैं, क्योंकि इनके खोल के लिए इनका शिकार कर लिया जाता है। 4. सूडोनाजा टेक्सटाइल्स। इस दुनिया के हर हिस्से में सांपों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ कम जहरीले तो कुछ बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। फिलहाल आप सभी जब भी कभी जंगल की सैर पर निकले होंगे, तो आपको भी सांप जरूर देखने को मिल गया होगा। लेकिन क्या आप सभी स्यूडोनाजा टेक्सटाइल्स नाम के सांप के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विषैला होता है? दोस्तों, ये सांप आमतौर पर जंगल में देखा जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अन्य सांपों की तरह ये इंसानों से डरता नहीं, बल्कि उनके बीच में रहने का दम रखता है। अगर आपका कभी सांप से सामना हो गया, तो अगर आपके पास एंटीवेनम नहीं है, तब 1 मिनट के अंदर ही आपकी जान जा सकती है। तो प्लीज, अगर आपको ये सांप अपने आसपास नजर आए, तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें। 3. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ है, जो कि वजन में 600 से 1000 किलोग्राम तक का होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4.1 से 5.5 मीटर तक होती है। दोस्तों, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में खारे पानी के मगरमच्छ संख्या में खूब बढ़ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। क्या आपको पता है, कई साइंटिस्ट द्वारा ये दावा किया जाता है कि मगरमच्छ के मस्तिष्क का आकार स्तनधारियों की तुलना में काफी छोटा होता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस पर रिसर्च अभी भी चालू है। इस खारे पानी के मगरमच्छ की थूथन अन्य मगरमच्छों से बहुत अधिक लंबी होती है। ये जमीन पर जितने धीमे होते हैं, पानी में उतने ही तेज होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है, खारे पानी का मगरमच्छ एक बहुत शातिर शिकारी होता है, जो अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लगभग किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है। इसलिए अमेरिका में ऐसी कई जगह मौजूद हैं, जहां तैराकी करना सख्त रूप से मना है। और अगर आप फिर भी ऐसी जगह पर तैराकी करने जाते हैं, तो समझ लीजिए आप वापस नहीं आने वाले, क्योंकि इनकी फुर्ती के सामने आप पस्त पड़ जाएंगे, और मात्र कुछ ही मिनटों में ये आपका सफाया कर देगा। 2. द चेन वाइपर। दोस्तों, दुनिया में कई प्रकार के बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं, लेकिन चेन वाइपर एक बहुत ही छोटा सांप होता है, जो कि आमतौर पर भारत, चीन और ताइवान में पाया जाता है। ये सांप अमूमन 3 से 5 फीट तक का होता है, जो कि जंगल और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों, ये सांप दिखने में भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जो कि अपने शिकार को जकड़ कर मारता है। दोस्तों, क्या आप सभी को मालूम है, इस सांप की फुसकार सभी सांपों से ज्यादा तेज होती है, जो कि बहुत दूर से सुनाई दी जाती है। ये सांप खतरनाक तो जरूर है, लेकिन इंसानों के साथ इसका बहुत ही कम सामना होता है, क्योंकि ये इंसानों से छुपकर रहता है। अगर ये सांप आप में से किसी को काट ले, तो आपको बहुत सारे दर्द का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है आपका शरीर सुन्न भी हो जाए, अगर आपने इसकी बाइट को नजरअंदाज किया तो।
एक द गीला मॉन्स्टर। गीला मॉन्स्टर एक जहरीली छिपकली की प्रजाति है जो कि साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ वेस्टर्न मेक्सिकन स्टेट ऑफ सोनारा में पाई जाती है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन ये बहुत ही धीमी गति से चलती है। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है ये छोटे पक्षी छोटी छिपकली के साथ और भी कई प्रकार के जीवों का शिकार करती है। इस जीव की लंबाई 27 इंच तक होती है और ये मॉन्स्टर जुलाई और अगस्त के महीने में अपने अंडे रेत यानी कि मिट्टी के बीच देते हैं। क्या आप सभी को इस बात की जानकारी है कि गीला मॉन्स्टर को बीडेड लिजर्ड का करीबी रिश्तेदार माना जाता है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपना 90% समय रेत और छोटी छोटी चट्टानों के बीच ही गुजारते हैं और ये इंसानों से इनका कम ही सामना होता है, क्योंकि इनका जहर लगभग एक स्पिटिंग कोबरा जितना जहरीला होता है, जिसकी एक बाइट इंसान को मौत की नींद सुला देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।